नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पालक की कोफ्ता करी, जिसे शाम सवेरा कोफ्ता भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका लुक वाइट और ग्रीन एकदम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसे ये दिखने में और खाने में जितनी अच्छी है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए देर न करते हुए सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कोफ्ता करी को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम फ्रेश पालक, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बस मैं इसे 2 मिनट बॉईल करूंगी। बहुत ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी। बस मैं इसको इसलिए उबाल रही हूँ कि जिससे इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए। देखिए, करीब 2 मिनट हो गए हैं और हमारा पालक बॉईल हो चुका है। बस अब आप इसे किसी बाउल में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें। जितनी देर में हमारा पालक ठंडा होता है, चलिए हम कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। इसके लिए मैंने वापस उस पैन को रख लिया है। इसमें डाल दूंगी मैं 2 चम्मच ऑयल। जैसे ही तेल गर्म होगा, मैं इसमें डाल दूंगी 1 ये छोटी हरी इलायची और 2 छोटे तेज पत्ता, और अब इसमें डाल दूंगी 1/2 छोटी चम्मच जीरा। देखिए, जीरा तड़कने लगा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े साइज मीडियम कटे हुए प्याज। आपको बहुत ज़्यादा बारीक प्याज काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को पीसना ही है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 5-6 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और इन सारी चीज़ों को मैं भून लूंगी। आपको प्याज को गुलाबी होने तक भूनना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं करना है, बस इसका प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, प्याज थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होने लगी है। थोड़ा सा और भून लें इसे। देखिए, प्याज गुलाबी हो गई है। बस इस स्टेज तक हमें इसे भूनना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, और ये 6-7 काजू मैं इसमें डाल दूंगी। और अब इसी समय इसमें थोड़ा सा नमक 1/2 छोटी चम्मच और 1/2 छोटी चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा कलर हमारी ग्रेवी में आएगा। और इसे थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट होने तक आप भून लें। देखिए, करीब 2-3 मिनट हो गए हैं और टमाटर थोड़े थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा कप पानी का, और अब इसका लिड लगाकर मैं करीब 4-5 मिनट इन चीजों को पका लूंगी। इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। देखिए, जितनी देर में हमारी ग्रेवी पकड़ी है, मैंने इस पालक को अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं, मैंने पानी इसका बिल्कुल निकाल दिया था। देखिए, एक अच्छा पेस्ट इसका तैयार हो गया है। बस इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, करीब 4-5 मिनट हो गए हैं हमारी सारी चीज़ों को पकते हुए, और ये अच्छे से पक चुकी है। बस आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इन सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद किसी मिक्सर ग्राइंडर में स्मूथली पीस लें। चलिए, अब बना लेते हैं कोफ्ता। अब इस पालक की ग्रेवी में मैं मिला लूँगी 1/4 छोटा कप बेसन का, और ये मैंने 2 ब्रेड क्रम्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। इससे बहुत ही अच्छी बाइंड जो है हमारे इस मिक्स को मिलेगी। थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डाल दें और 1 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर डाल दें, और अब इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें। इसका हमें ऐसा मिक्स बनाना है कि हमारा जो कोफ्ता है वो इजीली बन जाए, मतलब बहुत गीला भी ना हो उसका टेक्सचर। देखिए, हमारा एक अच्छा सा मिक्स बन चुका है। ये बहुत गीला भी नहीं है। अब आप क्या करें, थोड़ी सी देरी से रेस्ट के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाला था, तो ये थोड़ा सा और फूल कर सेट हो जाएगा। करीब 10 मिनट के लिए आप इसे अभी छोड़ दें। अब कोफ्तों की फिलिंग बनाने के लिए दोस्तों, मैंने ले लिया करीब 100 ग्राम पनीर। इसे मैंने बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है, और अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 छोटा चम्मच मैदा। इससे बहुत ही अच्छी बाइंड आ जाएगी। बिल्कुल 1 चुटकी नमक भी डाल दें, और 1/2 छोटी चम्मच चीनी आप इसमें डाल दें, और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक इसका डो जैसा बना लें। देखिए, मैंने एक इसका सॉफ्ट सा डो बना लिया है। अब आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और इसके बीच में मैं एक अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें रख दूंगी 1 से 2 किशमिश, और इसे बंद करके अब आप इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लें। देखिए, इस तरीके से आप सारी गोलियां बना लें। इस तरह से जो हम अंदर किशमिश की फिलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आपके इस कोफ्ते में आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई करें इसे। देखिए, हमने सभी गोलों को बना लिया है। हमारा ये जो पेस्ट है, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए, अब क्या करते हैं, हाथों पर हल्का सा घी लगाते हैं। हाथों पर मैंने घी लगा लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट आप लें, इसे थोड़ा सा ऐसे फैला लें हाथों पर। घी लगाने से क्या होगा कि ये आपके हाथों पर बिल्कुल नहीं चिपकेगा।
और एक ये जो पनीर की बॉल्स हमने बनाई थी इसे इसके सेंटर में डालें इस तरीके से, और इसको अच्छे से आप गोल कर दें। ये देखिए कितने इजीली बन चुका है ये। और ये अब मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है, एक बार मैं इसे इसमें चारों तरफ से कोट कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे सिककर तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से आप अपने कोफ्तों को बना लें। ये देखिए कितना परफेक्ट कोफ्ता बना है हमारा। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। एक बार आप मैदे में इसे रोल करने के बाद हल्का सा हाथों से और रोल कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ये सारा इस पर सेटल हो जाएगा और आपका ऑयल भी खराब नहीं होगा। देखिए कितना परफेक्ट कोफ्ता हमारा बना है। इस तरीके से आप अपने सारे कोफ्तों को बना लें। देखिए हमने अपने सारे कोफ्तों को बना लिया है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हुए हैं। और मैंने साथ साथ ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए ऑयल में मैंने एक छोटा पीस डालकर देखा, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें और इन कोफ्तों को फ्राई कर लें। इन्हें कढ़ाई में डालकर दोस्तों 3-4 मिनट आप बिल्कुल भी टच ना करें, हल्का सा जब ये सिकना शुरू हो तब आप इन्हें अल्टे पलटें। देखिए करीब 3-4 मिनट हो गए हैं, थोड़े थोड़े से सेटल होने लगे हैं ये। अब आप इन्हें अलटते पलटते हुए लो टू मीडियम गैस पर ही फ्राई करें जिससे ये अंदर तक अच्छी तरीके से सिक जाएं। क्योंकि हमने इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्स भी मिक्स किया था तो आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते कितने परफेक्टली बने हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा दोस्तों, आपके जो कोफ्तों के कई बार क्या होता है कोफ्ता फ्राई करते समय फट जाता है, तो ब्रेड क्रम्स मिक्स करने से उसके फटने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है उसका। इन कोफ्तों को सिकने में आपको करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप इन्हें आराम से पेशेंस के साथ सेक लें। देखिए करीब 8-10 मिनट हो गए हैं और हमारे कोफ्ते काफी अच्छे से सिक चुके हैं। बस अब आप इन्हें निकाल लें और किसी टिश्यू पर निकाल लें जिससे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हट जाए। देखिए हमारी ग्रेवी का मिक्स भी ठंडा हो चुका है। अब इसमें से आप ये तेज पत्ता निकाल दें और इसे स्मूथली ग्राइंड कर लें। देखिए हमने ग्रेवी को बिल्कुल स्मूथली पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और इसे मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा दोस्तों ये एक ऐसा बेसिक ग्रेवी का मिक्स है कि इसे आप बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी कभी आपके गेस्ट आए तो आप किसी भी टाइप का कोफ्ता पनीर कोई भी सब्जी इस ग्रेवी की सहायता से बना सकते हैं। तो चलिए अब अपनी ग्रेवी को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन को रख लिया है और इस पर डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल, और इसी में डाल दें आप थोड़ा सा बटर अगर आपके पास हो। इससे क्या होगा इस सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आपका आएगा। अब जैसे ही बटर पिघलता है इसमें डाल दें पहले 1 पिंच हींग, 1/2 छोटी चम्मच जीरा। आप गैस का फ्लेम लो ही रखें वरना आपके जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। अगर ये ना हो तो आप सादी लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीजों को बस आप 1 मिनट भून लें और अब इसमें अपने ग्रेवी के मिक्स को आप डाल दें। देखिए ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। अब मैं बाउल धोकर थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगी। ग्रेवी का टेक्सचर आप जैसा पसंद करते हैं वैसा रख सकते हैं, जितनी भी पतली ग्रेवी आप पसंद करते हैं। अब आप इसमें डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि नमक हमने जब ग्रेवी के लिए सब्जियां पकाई थी तब भी डाला था और हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है। और इसी समय डाल दें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। और एक इसको बहुत ही अच्छा स्मूथ और रिच टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मलाई का। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें। और मलाई डालने के बाद इसे आप कंटिन्यू चलाएं जब तक कि इसमें खदका ना लग जाए, वरना कई बार ये हमारे जो मलाई है इसमें थोड़ा दूध रहता है और टमाटर की वजह से कई बार हमारा मिक्स फट जाता है। मुझे ये थोड़ी सी और गाढ़ी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और मिक्स कर लिया है। अब जैसे ही ये खदकने लगे फिर आप क्या करें गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दें और इसका लिड लगाकर आप इस ग्रेवी को 4-5 मिनट पका लें। देखिए दोस्तों हमारी ग्रेवी खदकने लगी है, बस आप गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दें और इसका लिड लगाकर इसे करीब 4 से 5 मिनट बिल्कुल सिम गैस पर पकने दें, तो आपकी ग्रेवी रेडी है। देखिए हमारी ग्रेवी को खदकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं।
और ये अच्छे से पक चुकी है। और अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी ये एक चम्मच, मैंने हल्की सी तवे पर कसूरी मेथी को भून लिया था, इसको आप हाथों से क्रश करके डालें, बहुत ही अच्छी महक और फ्लेवर हमारी इस ग्रेवी में आ जाएगा। और बस गैस का फ्लेम आप बंद कर दें। तो कोफ्ते भी रेडी हैं और हमारी ग्रेवी भी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इन कोफ्तों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखिए मैंने इन्हें कट कर लिया है, इस तरीके से आप सावधानी कोफ्तों को कट कर लें। देखिए हमने सभी कोफ्तों को कट कर लिया, आप देख सकते हैं कि बीच में जो किशमिश है वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ग्रेवी डालूंगी प्लेट में, आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्सचर कि कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बनकर रेडी हुई है। अब मैं इसमें लगा लूंगी कोफ्ते। आप इस कोफ्ता करी में कोफ्ते डालकर ना रखें, जब भी आपको सर्व करनी हो सब्जी तो आप इस तरीके से कोफ्तों को अलग रख लें और इस तरीके से ग्रेवी को अलग रख लें। देखिए हमारी टेस्टी शाम सवेरा कोफ्ता करी तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाइए आप भी शानदार ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाम सवेरा कोफ्ता करी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।